फिल्म के जरिए अपनी जिंदगी रुपहले पर्दे के जरिए आम आदमी तक पहुंचाने का एक माध्यम फिल्म बनता जा रहा है। और इसी ट्रेंड को सामने रखते हुए निर्माता आनंद संकेश्वर ने एक बायोपिक तैयार करते हुए उसको फिल्म विजय आनंद का नाम दिया है। फिल्म विजय नंद के प्रमोशन के लिए फिल्म की पूरी यूनिट जिसमें मित्रता अभिनेता निहाल आर, श्री प्रहलाद और भरत भोपन्ना इंदौर पहुंचे। फिल्म को लेकर निर्माता और कलाकार ने फिर विजय नंद को लेकर उसकी कहानी और वाइफ के बारे में मीडिया से बात की। फिल्म विजय नंद ऋषिका शर्मा द्वारा निर्देशित की गई है और फिल्म में वीआरएल ग्रुप ऑफ कंपनी के विजय संकेश्वर के जीवन पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता निहाल आर बेहतरीन किरदार में नजर आएंगे। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री कई शैलियों पर आधारित इस अलग रोमांच विषय पर फिल्म बनाने के लिए जानी जाती है। विजय नंद जैसे फिल्म के जुड़ने से यह श्रृंखला और बेहतर और रोमांचक हो गई है। आपको बता दें कि कन्नड़ फिल्म विजय आनंद 9 दिसंबर को हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम सहित 5 भाषाओं में दर्शकों के लिए रिलीज होने वाली है। दरअसल फिल्म की कहानी विजय संकेश्वर को एक छोटी सी शुरुआत से लेकर देश के सबसे बड़े कमर्शियल ग्रुप के मालिक बनने तक उनकी शानदार यात्रा के लिए जाना जाता है। वह कर्नाटक में एक प्रमुख समाचार पत्र और एक समाचार चैनल के मालिक भी हैं। अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे निर्माता और फिल्म के कलाकारों ने फिल्म को लेकर अब तक की पूरी कहानी और फिल्म से उम्मीद को लेकर अपने अपने किरदार भी मीडिया के सामने रखे हैं। आप देखते हैं कितना चैलेंजिंग ये रोल था जो कि आपने ये निभाया। तो पहला चैलेंज तो ये है कि ये अलग एरा में सेट हुआ है और हम लोग आज की युवाओं को क्या होता है कि हमें वो पता नहीं है कि उस टाइम का उस टाइम लोगों की माइंडसेट कैसे थे, बिकॉज आजकल वी आर वेरी एक्सपोज और आजकल का जो हम लोगों की लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग है। बैक देन इट वाज डिफरेंट। तो मुझे तो पहले ये जानना था कि हाउ वाज देयर वर्ल्ड, तो उनका प्रपंच इट वाज टू रिवॉल्व अराउंड उनका फैमिली और वो घर में बहुत बड़े स्ट्रेंथ बन के रहते थे, बिकॉज हम भी जब से बचपन से घर आने के बाद पहला सवाल ये होता कि माँ कहाँ है, बिकॉज वो है तो सब ठीक है। तो वो घर में जो रह के बाकी सबको सबका ख्याल जो रखते हैं तभी जो बाहर जाके काम करते हैं वो निश्चिंत होके काम कर सकते हैं। अगर वो घर पे सपोर्ट नहीं है, अगर वो मायूस है, अगर वो खुश नहीं है, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह का कुछ मैडम का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका योगदान ऐसा है। तो वो तो चैलेंजिंग था क्योंकि कैसे सोचते थे, हमें तो उतना शायद उतना ममता वात्सल्य हमें पता नहीं है आजकल के लोगों को। हम लोग थोड़ा वी आर ऑल डिजिटल पीपल। सो हमारी डायरेक्टर मैम जो है ऋषिका शर्मा मैम, उन्होंने बहुत तैयारी करके उन्होंने ब्रीफ किया था, वर्कशॉप किया था। मैं भी खुद माँ से बात करती थी और खुद ललिता मैडम से मैं मिली, मैंने जब उनसे बात किया, उनसे कहानी सुन रही थी कि क्या उन पे क्या बीत रही थी, वो कैसे थे। वो उन्होंने मैडम ने दो तीन बार कहा भी है कि माँ पे आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान सर, द वे ही वॉक्स, द वे ही डज, छोटे से बच्चे से भी पूछ लो वो करके दिखाएगा। मैं ऐसे हूँ विजय संकेश्वर साहब के। ओके, सो वो जो उनके हाव भाव है, जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो चलते हैं, उसको मैंने दिमाग में डाल के मी ऋषिका एंड द होल टीम एक वर्कशॉप बनाया। फॉर एग्जांपल श्री के लिए, भरत के लिए, मेरे लिए, तो वो बना के एक मतलब जब बायोपिक कर रहे हो, हमारा खुद का एक रिस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि यू नो ही इज़ अ रियल लाइफ हीरो, तो उसको जब हम पोर्ट्रेट करें बट कीपिंग इन आर ओन रिस्ट्रिक्शंस, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहाँ पे यू नो क्या बोलते हैं, बहुत ही इमेजिनरी नहीं किया है इसलिए, या सर को पूरा हूबहू इमिटेट नहीं किया है। सर जैसे दिखते हैं वैसे मेरे अंदर यू नो इफ आई कुड बी विजय सर, वैसे स्टाइल को पोर्ट्रे किया था सर, बट कष्ट तो था 22 kgs डाउन अप ऑल दिस थिंग्स एनीथिंग फॉर सर। बायोपिक जो आ रहा है विजय पिताजी के ऊपर, मेरा फादर के ऊपर, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ यू नो जीरो टू हीरो। उन्होंने 76 में शुरुआत की एक ट्रक से जर्नी, अभी आज का तारीख में 2022 में है। 5,500 हमारा कंपनी में
ट्रक्स और बसेस है और 1000 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिसर्स नेटवर्क है कश्मीर टू कन्याकुमारी, और ये बहुत चैलेंजिंग सेक्टर है जो सरफेस रोड ट्रांसपोर्ट माना जाता है, वेरी टफ जॉब। और हमारा डेली इधर 10,000 मेट्रिक टन से ज़्यादा हम पार्सल्स हैंडल करते हैं हमारा कंपनी के अंदर। इस ये सक्सेस में ज़रूर कहना चाहता हूँ हमारा जो 20,000 लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़िया है, हमारा इन्वेस्टर्स का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। और इसमें आपको फिल्म के अंदर काफ़ी अलग अलग फेजेस में मेरा पिताजी का 3 फेज में दिखाया गया है, जब उनका बचपन 1950 आफ्टर हिज बर्थ, उसके बाद उनका कॉलेज टाइम और उनका जो काम करने का मिडिल एज, और लाइक अभी जो 65+ है 65+ वो 3 फेज में मूवी में आपको दिखाई देगा। और ये मूवी आ रहा है 5 लैंग्वेजेस में, कन्नड़ इसका बेस रहेगा, डब्ड इनटू हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम। प्लीज डू कम वॉच आउट मूवी एंड सपोर्ट अस, थैंक यू। सर, ट्रेलर में दिखाया गया है कि बच्चा सूर्य दिखा रहा है कि ये पीला रंग बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिताजी जब ट्रक शुरू किए थे वो दूसरा कलर था, चॉकलेट कलर, जो नेशनल परमिट को यूज करते हैं, जो हमारा लैंग्वेज में ट्रांसपोर्ट लैंग्वेज में एमपी बोलते हैं। ये है कि द फिल्म इज सेट फ्रॉम 1950s टू 2015, सो जैसे निहाल सर ने कहा, यू कैन सी माय कैरेक्टर आल्सो इन 3 डिफरेंट एज शेड्स, यंग, मिडिल एज एंड प्रेजेंट एज। तो हम लोगों को वर्कशॉप था, सो वर्कशॉप में बिकॉज दिस फिल्म इज पर्टिकुलरली फ्रॉम द नॉर्थ कर्नाटका साइड ऑफ कर्नाटका, सो द कन्नड़ा डायलेक्ट जो हम बात करते हैं कन्नड़ा, वो थोड़ा अलग है, तो उसके ऊपर हमें काम करना पड़ा। और पूरा जो फिल्म है मैक्सिमम रेट्रो स्टाइल में आपको दिखाई देगा, व्हेन यू वॉच द ट्रेलर यू कैन मेक आउट। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारा वर्कशॉप किया था ऑफ सेवरल डेज, एंड आवर डायरेक्टर ऋषिका शर्मा मैडम, लाइक एवरीबॉडी सेइंग शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट डायरेक्टर्स फ्रॉम डाउन साउथ, एंड उनको बहुत क्लैरिटी था, बहुत अच्छा विजन था, एंड दिस इज अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। I just want to take this opportunity to thank our producer Dr. Anand Sankeshwar sir, क्योंकि we are all new talents, हम लोग कोई superstar नहीं है, हमारे पास कुछ इतना बड़ा नाम कुछ नहीं है, फिर भी it's his wish and will to encourage young talents, और हम लोगों को इस फिल्म में काम करने के लिए मौका मिला, because this is one of the very prestigious projects और definitely industry, logistics industry देखा जाए, जैसा कि अभी 80% इंडिया में आज तक 80% से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, और 20% ही जो आपको दिखता है कि सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड, गुड सर्विस, ये 20% में आता है, 20% में आता है हमारा एक कंपनी उसके अंदर आता है, एंड एथिकल डूइंग द बिजनेस। और हमारा इधर जो हमारा मॉडल जो है पर डे हमारा 10,000 मेट्रिक टन से ज्यादा पार्सल्स हम हैंडल करते हैं, उसमें FMCG, कपड़ा, गारमेंट्स, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, अगरबत्ती, फूड आइटम्स, वाइट गुड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, रबर, फुटवेयर, ड्राई फ्रूट। मैं विजयानंद फिल्म में पद्मश्री डॉक्टर विजय संकेश्वर साहब की पात्र में दिखाई दूंगा। ये कन्नड़ा की पहली बायोपिक है जो हम प्ले कर रहे हैं, मतलब रिलीज कर रहे हैं 9 December को, सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट बायोपिक फ्रॉम कन्नड़ा। तो हम लोग आज इंदौर में हैं, यहाँ पे इंदौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी विद अ ब्यूटीफुल क्लीन हार्ट्स ऑफ एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ये एक इंस्पायरिंग जर्नी है, एक इंसान ने एक ट्रक से लेके आज इंडिया में सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी जो उन्होंने स्थापित किया है, इट इज अ वेरी ह्यूज एम्पायर, इट इज अबाउट हिज जर्नी। आई वुड रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त करूंगा सभी अपने दर्शकों को कि प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म इन योर नियरेस्ट थिएटर्स। अगर आपके अंदर भी एक विजय है तो प्लीज जाके फिल्म देखिए एंड गेट दैट विजय एक्साइटेड। थैंक यू।